जम्मू कश्मीर में बॉर्डर वाले इलाकों में पर्यटन शुरू होने से स्थानीय लोगों में उम्मीद जगी है। जी मीडिया की टीम सीमा के अंतिम गांव केरन पहुंची और हालात का जायजा लिया। श्रीनगर से करीब 160 किलोमीटर दूर एलओसी पर है केरन सेक्टर, जहां पहले हमेशा गोलियों की आवाज सुनाई देती रहती थी, जहां पर्यटक तो क्या स्थानीय लोगों को भी आने से डर लगता था, न जाने कब गोलीबारी हो जाए। लेकिन पिछले चार वर्षों में हालात बदल गए हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव सैलानियों से गुलजार है। किशन गंगा नदी के किनारे पर बसा केरन अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। एक तरफ हरी घास से ढके चारागाह और पहाड़ हैं, तो दूसरी तरफ बहती दरिया। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने रंग भर दिए हों। एलओसी पर बसे केरन और पीओके के पार रहने वालों में सिर्फ एक नदी का फासला है। केरन जो एक मुख्य आकर्षण बनता जा रहा है पर्यटकों का, अगर इस तरफ मेरा कैमरामैन इरफान मंजूर दिखाए तो सिर्फ इस नदी के उस पार अगर आप नज़र दौड़ाएं जो कंस्ट्रक्शंस है ये पीओके है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर का दरिया बीच पे बहता है उस तरफ वो है, तो इतना नज़दीक नियंत्रण रेखा के एक आज पर्यटक जो है आ सकता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जैसे जैसे आतंक की कमर टूटी, कश्मीर में फिजा ही बदल गई। अब यहाँ सैलानियों के रुकने के लिए होटल भी हैं और बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। हम यहाँ पे होम स्टेज प्रमोट कर रहे हैं, हम काफ़ी प्रमोशनल इवेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इकोलॉजिकल फ्रेंडली इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ध्यान दे रहे हैं। केरन आने वाले सैलानी न सिर्फ देश के आखिरी छोर को देख सकेंगे बल्कि सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर बने होम स्टे में रुककर यहाँ के लोगों को करीब से जान सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, कितना आता है? बहुत आता है जनाब, बहुत आता है। घरों में भी हम रखे हैं, रूम रखे हैं जनाब, और यहाँ पे कुछ जगह रहने की भी है जनाब, टेंट लगे हैं, तो बड़ी खुशी है जनाब। केरन आने वालों के अंदर से डर खत्म हो चुका है। इलाके की खूबसूरती उनके सफर में चार चांद लगा रही है और बदलती फिजा को सैलानी महसूस भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आएगा, और इधर का एटमॉस्फेयर, इधर का लोग, इधर का वेदर सब अच्छा लगा। मैं जितना मेरा रिश्तेदार, मेरा जितना वो लोग है, सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और एडवाइस भी करूँगा, आप एक बार जाके देख ले, लाइफ में एक बार जरूर देखना है ये जगह को, केरन को। बदलते वक्त के साथ केरन सेक्टर टूरिज्म के नक्शे पर नई पहचान बना रहा है। इसके पीछे जहां टूरिज्म इंडस्ट्री की अहम भूमिका है, वहीं सरकार का वो भरोसा भी है जो उसने स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के मन में भी पैदा किया है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, केरन सेक्टर।